प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे सोमवार का। नमस्कार प्रणाम वंदन कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। नए वीक का प्रारंभ हो रहा है सोमवार से। सोम का अर्थ है सौम्यता शांति। आज का दिन, आज के दिन का संदेश क्या है? आज के दिन का संदेश है हमारे भीतर जो अशांति है, विचारों का उपद्रव है, मन का उपद्रव है, उसे ठीक से समझना है कि क्यों हमारे भीतर अशांति है और किस तरह से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शांति जो है वो हमारी आत्मा का संगीत है, हमारे भीतर प्रतिपल बजता हुआ बजती हुई आत्मा की वीणा का संगीत अर्थात शांति। शांति का सोर्स, महाशांति का सोर्स हम स्वयं। आज का जो दिन है उस पर हमें समझना है हमारे भीतर जो मन का उपद्रव है, भाव का उपद्रव है, वो क्यों है, क्यों हम भीतर से अशांत है और किस तरह से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये सोमवार प्रतिपल, क्या हम शांति के साथ जी नहीं सकते? हर काम हम शांति के साथ नहीं कर सकते? आज का ये सोमवार इस पृथ्वी पर पहली ही बार प्रकट हो रहा है, हम सबको भेंट मिल रहा है ताकि हम इस सुंदर जीवन को समझ सके, मृत्यु लोक में हम जीवन का स्वाद ले सके। इसके लिए परम अस्तित्व परमात्मा हमें भेंट कर रहा है आज का सोमवार। आज के सोमवार को हम परिपूर्णता के साथ जिए, ऐसी मेरी हार्दिक भावना प्रार्थना। थोड़ी सी मेरी दिनचर्या बता दूं। आज सुबह में 3:45 बजे मैं बिस्तर से बाहर आ सका और शरीर को धीरे धीरे प्रज्वलित किया। प्रातःकाल में बांसुरी पर कुछ प्रार्थनाएं बजाई जिसमें जितनी बड़ी से बड़ी मैं बांसुरी बजा सकता हूँ उसका भी उपयोग किया। उससे मेरी जो फिंगर्स है जो स्टिफ हो जाती है तो ये खोलने में भी मुझे बांसुरी बहुत मदद रूप रहती है और ये एक प्रकार का कलात्मक प्राणायाम भी हो जाता है। जिस तरह से हम ओंकार करते हैं इस तरह से बांसुरी पर प्रार्थना बजाने से जो फेफड़े की क्षमता है वो भी बढ़ती है और प्राणायाम भी हो जाता है। और छोटी से छोटी बांसुरी जितनी मेरी क्षमता है वो भी बजाई। और अभी आपके साथ जो बात कर रहा हूँ उससे पहले नीम के वृक्ष के नीचे हम सब ने मिलकर गायत्री मंत्र किया, मंगल प्रार्थना की, उसका एक अद्भुत आनंद है। आप भी ले कभी खुले आसमान के नीचे नीम के वृक्ष के नीचे प्रार्थना या ध्यान का अनुभव, अद्भुत अनुभव है। अब इसके बाद मैं कुत्तों को, जो यहाँ के कुत्ते हैं, उसको बिना घी वाली तेल वाली रोटी खिलाऊंगा। आप भी ध्यान रखें, अगर आपको प्रेम है कुत्तों के प्रति, बहुत सुंदर बात है, तो बिस्किट नहीं खिलाना है। मैदा का जो अट्टा है वो कुत्तों के पेट में भी नहीं जाना चाहिए, हमारे पेट में भी नहीं जाना चाहिए, ताकि पेट का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यहाँ तक आप समझे, जो वर्टिब्रेट प्राणी है उसकी जो जीवन यात्रा है वो जब अपना पूरा जीवन समाप्त करते हैं ठीक से प्राकृतिक रूप से, तो उसका प्रवेश होता है मनुष्य योनि में। अब कुत्तों के योनि में भी उसका पेट खराब हो जाता है, उसका असर मनुष्य योनि में भी आता है कि उसका पेट अच्छा नहीं रहता, पेट की बीमारियों के साथ जन्म होता है। इसलिए कुत्तों को भी अगर आप खिलाना चाहो तो बिना घी तेल की रोटी ही खिलाओ, बिस्किट न खिलाए। इसके बाद हम सब मिलकर प्रातःकाल में जो ये प्रकृति मंदिर है, धन्वंतरी प्रकृति मंदिर, इसमें नटराज नृत्य मंदिर है उसका पेंटिंग का वर्क करेंगे। और इसके बाद हम सब जो प्रकृति मंदिर में स्थित है कड़िंग नर्तन मंदिर जिसमें नीम का वृक्ष भी है उसके नीचे बैठकर हम सब चाय पियेंगे और मुझे बहुत से
चाय नहीं खा ली, तुलसी सबर चाय पियेंगे, और वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं, माइल्ड चाय, थोड़ा सा गर्म पानी शरीर में जाए। जो भी दर्शनार्थी आएंगे, जो मेरे शिष्य है, बहुत सारे अंजीर मुझे भेंट मिले हैं, बहुत अखरोट भेंट मिले हैं, काली द्राक्ष भेंट मिली है, लेकिन सुबह मैं सबको एटलीस्ट दो दो अंजीर खिलाऊंगा। जिसका पेट ठीक नहीं है, पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे जितना खाना है मैं कहूँगा आप खाओ जितने आपकी क्षमता, ताकि आपके पेट का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहना नहीं चाहिए। प्रातः काल में मेरी दृष्टि से पेट साफ हो जाना चाहिए। जब आदर्श जो पेट है वो तो ये है कि जब आप बिस्तर से जागे तुरंत आपका पेट साफ हो जाए, इवन विदाउट वाटर, टी, कॉफ़ी, स्मोकिंग, सीधा पेट साफ हो जाए, ये पेट का स्वास्थ्य है। लेकिन अगर इससे साफ नहीं हो रहा है तो अंजीर बेस्ट वर्क करता है। यहाँ तक कि जो गैस है, एसिडिटी है और पेट के कॉम्प्लिकेशन है सब दूर कर देता है। सुबह में भी अंजीर लेना रखे जिसे तकलीफ है, दोपहर की चाय पिए उसमें भी आप 2 से 3 अंजीर का उपयोग कर सकते हो, जिससे आपका पेट का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जितना आपका पेट का स्वास्थ्य ठीक, आप देखो शांति का अनुभव ऐसे ही आता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। पेट जैसे शांत हो जाता है मन भी शांत हो जाता है। इसके बाद मैं थोड़ी सी घुटनों की एक्सरसाइज करूँगा। पूरा तो 180 नहीं होता, लेकिन 160 तक तो मैं पैर को फैला सकता हूँ, थोड़ी घुटनों की एक्सरसाइज। फिर मेरे पास जो मैं टब बाथ लूँगा, हॉट वाटर टब बाथ, जिसके कारण मेरी जो स्टिफनेस है उसमें भी मुझे राहत मिलती है और अच्छा भी लगता है। इसके बाद जो दिनचर्या का मुख्य भाग है वो शाम को मैं पूरे जगत को इनवाइट करूँगा मेरी दिनचर्या में, कि आप आए सुने पवित्र संगीत, भारत का शास्त्रीय संगीत, भारत का शास्त्रीय नृत्य दर्शन करें, रात को सोने से पहले पवित्र शक्ति को प्राप्त करें। पूरे जगत को निमंत्रित करूँगा मैं मेरी दिनचर्या में, और शाम को दर्शनार्थियों को और सब शिष्यों को जो इतने सारे अखरोट मिलेंगे हैं वो बांट दूंगा। हमें प्रत्येक दिन देखना है कि जैसे जैसे हमारे जीवन की यात्रा आगे जाती है, लोभ बढ़ता है कि उदारता बढ़ती है, क्योंकि उदारता जो है वो आत्मिक गुण है, बांटना। और ये शरीर समाप्त हो इससे पहले इस शरीर का पूरा उपयोग, कण कण का पूरा उपयोग मैं कर सकूं और आपको भी बता सकूं कि इस तरह से शरीर का उपयोग करना है। शरीर की समाप्ति से पहले जितना हम कर सके मैक्सिमम हमारे जीवन का सुंदर उपयोग करना है। हम स्मरण रखें आज का ये सोमवार, जिसमें हमें शांति का अभ्यास करना है, अशांति को रूट से जानना है कि अशांति हमारे जीवन में क्यों है, विचारों का उपद्रव किस तरह से हम हमारे भीतर शांत कर सकते हैं। हर मनुष्य को ये टेक्निक खोजनी है अपने भीतर। आज का ये सोमवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए आज का ये सोमवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। आज का ये सोमवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, शांतिपूर्ण हो, ऐसी हमारी सबकी भावना। आज के दिन इस पृथ्वी पर कोई भी अकस्मात न हो अशांति के कारण, और एक भी मनुष्य, प्राणी, पंछी का मृत्यु अकस्मात से न हो, ये हमारी सबकी हार्दिक भावना। मैं समाप्ति कर रहा हूँ शांति मंत्र और उसके अर्थ गठन से, ताकि आप ठीक से समझ सको कि जो हमारे भीतर की शांति है उसके 3 मुख्य केंद्र है, पेट, नाभि केंद्र, काम केंद्र, मूलाधार चक्र और हृदय चक्र। केवल श्रवण करें। ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो।
हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र के सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर के सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु।